जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का तीसरा किस्त का जो पैसा है जून महीने का आना शुरू हो गया है। वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको कैसे पता करना है कि जनधन वाला जो पैसा है वो आपको आया है या फिर नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही कोई भी योजना का इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। जैसा कि आप लोग इस न्यूज में यहां पे साफ साफ देख पा रहे, जनधन खातों में आज आएंगे 500-500 रुपए, पैसा निकालने का ये है नियम। तो देख पा रहे आज से जो पैसा है वो आना शुरू हो गया है, बहुत सारे जनधन खाताधारियों को जो पैसा है वो मिलना शुरू हो चुका है। यहां पे देख पा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जो है 500-500 रुपए जो किस्त है वो सभी को बैंक की ओर से जो है भेजा जा रहा है। यहां पे इसके लिए जो है बजट भी जारी कर दिया सरकार ने, 53,248 करोड़ रुपए की वित्त सहायता जो है मिल चुकी है, देख पा रहे इस तरीके से। और सरकार ने जो इसको ट्वीट करके भी बताया, मैं आपको यहां पे दिखा पा रहा हूं, देख पा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएमजेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना महिला खाताधारकों को देख पा रहे हैं 500 रुपए की जो देख पा रहे जून माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है। तो बैंक की ओर से जो सभी जनधन खाताधारियों के खाते में जो पैसा है वो भेजा जा रहा है। उसके बाद यहां पे देखिए इस तरीके से नोटिस भी दिया गया है जून महीने का, देख पा रहे भुगतान जून महीने के लिए 500 रुपए कहने की किस तारीख को आपका जो पैसा है वो आने वाला है, अपने खाता नंबर से यहां पर आप मिला सकते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा पा रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे इस स्कीम में यहां पे देखिए साफ साफ जो नोटिस जो जारी किया इसमें देखिए यहां पे साफ साफ बताया गया कि जिनके खाते का अंतिम संख्या यानी कि आखिरी नंबर जो आपके खाते का यहां देख पा रहे 0 और 1 है, तो देखिए कब 5 जून 2020 को जो आपका पैसा जो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। उनके बाद यहां पर बताया गया कि 10 जून 2020 के बाद आप किसी भी दिन पैसा जो है निकाल सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको यहां पर दिखा पा रहा हूं, 5 जून आज है, देख पा रहे फ्राइडे, देख पा रहे आज जो है 5 जून है, आज बहुत सारे लोगों को जो पैसा आना शुरू हो गया। मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, चलिए मैं आपको सीधा आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे मैं आपको दिखा पा रहा हूं, जिस तरीके से नोटिस में बताया गया कि जिनके खाते का आखिरी नंबर 0 और 1 है तो उनके खाते में जो है 5 जून 2020 से जो उनके खाते में जनधन वाला जो पैसा है वो भेज दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहां पे साफ साफ देख पा रहे हैं इनके खाते का आखिरी नंबर जो है वो 1 है, और फाइनली यहां पे देख पा रहे हैं इनको जो पैसा है वो देखिए मिल चुका है, यहां पे देखिए आ चुका है 5 जून 2020, 5/6/2020 इस तरीके से दिखाया जा रहा है, और यहां पे साफ साफ आ चुका है पीएमजेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना वुमेन्स डीबीटी पेमेंट ऑफ आरएस 500 रुपए क्रेडिटेड योर अकाउंट नंबर। इस तरीके से देख पा रहे इनके खाते में जो पैसा है वो भेज दिया गया है, आज जो है 5 जून है और इनका देखिए फाइनली जो है पैसा वो आ चुका है। चलिए हम आपको और भी व्यक्ति का दिखाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे मैं आपको दूसरे व्यक्ति का दिखा पा रहा, इनका भी फाइनली देखिए जनधन वाला जो पैसा है वो देखिए आ चुका है, मैं आपको दिखा पा रहा हूं, इनका भी खाता नंबर जो है आखिरी संख्या है वो 1 है, और यहां पे देखिए तिथि भी दे रखी है, यहां पे देखिए 5/6/2020 यानी कि 5 जून 2020 को जो पैसा है जिनके खाते का आखिरी नंबर 0 और 1 है आज ही भेजना था। तो देखिए आज जो है बहुत सारे लोगों को जो पैसा जो वो आना शुरू हो गया है। इनके अलावा अगर आपके खाते संख्या का कोई दूसरा डिजिट है जैसे कि 2 है 3 है तो इनके अलावा कोई दूसरा है तो उनके लिए जो आपका जो पैसा है वो अलग-अलग डेट में आएगा। चलिए आपको बताते हैं आपका किस दिन आएगा। जैसा कि आप लोग नोटिस में देख पा रहे जिनके खाते का आखिरी संख्या 0 और 1 था तो आज ही के दिन यानी कि 5 जून के दिन जो है सभी जनधन खाताधारियों के खाते में जो है 500 रुपए वाला तीसरा किस्त जो वो भेज दिया गया है। अगर आपका इनके अलावा खाता संख्या यानी कि आखिरी डिजिट आपके खाता का 2 या 3 है तो कल से जो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। देख पा रहे 6 जून को जो पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा अगर आपका खाता संख्या 2 और 3 है। उनके अलावा अगर आपका खाता संख्या आखिरी डिजिट 4 और 5 है तो 8 जून को आपको पैसा जो है भेज दिया जाएगा। इनके अलावा अगर आपका खाता संख्या देख पा रहे 6 और 7 है आखिरी नंबर तो आपका जो पैसा है वो 9 जून को आपके खाते में भेजा जाएगा। यदि आपके खाते संख्या देख पा रहे 8 और 9 है आखिरी संख्या तो आपको 10 जून को आपका जो पैसा है वो भेज दिया जाएगा। उनके अलावा आप कभी भी अपना पैसा जो है निकाल सकते हैं, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई भी एसएमएस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जनधन खाता को लेकर के कोई भी एसएमएस नहीं हुआ है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका जनधन वाला जो पैसा है वो आया है या फिर नहीं। चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको पता करना है। सबसे पहले आपको किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको
यहाँ पर टाइप करना है PFMS। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ये लिख के आपको जो है टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नो योर पेमेंट वाला आपको एक ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इनकी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप आसानी से अपना जो पैसा है वो चेक कर सकते हैं कि जनधन वाला जो पैसा है वो आपको आया है या फिर नहीं। सिंपली यहाँ से अपना बैंक का नाम लिखेंगे, जो भी आपका बैंक का नाम है, जनधन खाता है, वो यहाँ पे आपको डालना है। उनके बाद अपने खाते का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, जनधन खाता वाला। उनके बाद दोबारा से आप यहाँ पे डाल देंगे, फिर उनके बाद ये जो देख पा रहे कैप्चा जो लिखा हुआ आ रहा है 2-3 यहाँ पे देख पा रहे स्टेप से जो भी डिजिट है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। लिख करके इस सर्च वाले बटन पे आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो नीचे जो यहाँ पे आपको जो आपका पेमेंट शो हो जाएगा कि जनधन वाला जो पैसा है वो आपको आया है या फिर नहीं। सो इस तरीके से आप आसानी से जनधन वाला जो पैसा है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे आप लोगों तक एक छोटी सी वीडियो पहुंचानी थी। आई होप हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को अब भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।